कांग्रेस की एक नई पहल बेहतर भारत बेहतर कल के स्लोगन के साथ पूरे प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस द्वारा न्यूनतम आय योजना के प्रचार प्रसार की बैठक ली गई। इस योजना की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचाने की नियत से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से भी इस घोषणा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की गरीबी व साधारण जनता ने रोटी रोजगार और आय की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि हम देश के सबसे करीब 20% लोग यानी 15 करोड़ परिवारों को गरीबी के चंगुल से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएंगे। उसी के तहत एक ऐतिहासिक स्कीम न्याय यानी न्यूनतम आय योजना लागू की गई। साथ ही गिरीश दुबे ने यह भी कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक वोट गरीबों और वंचितों के अधिकारों को सुधार करे और एक उज्जवल भविष्य तथा विकासशील देश का निर्माण करेगा। गरीबों से न्याय और गरीबों को आय न्यूनतम आय योजना की जो योजना न्याय की घोषणा की गई है उस घोषणा के लिए थी और आपके माध्यम से जनता तक इस बात को पहुंचाना था कि जो राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि न्यूनतम आय वाले जो 5 करोड़ परिवार हैं और उससे लाभान्वित होने वाले जो 25 करोड़ लोग हैं उनके परिवार की महिला मुखिया के खाते में हर महीने 6,000 या साल के 72,000 रुपये आएंगे जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिले। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आयु योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 72,000 रुपए सीधे घर की महिला के खाते में देने का वादा कांग्रेस कर रही है। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ ऋचा सहाय की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।